आज हम गुजरात की फेमस एरिया सौराष्ट्र काठियावाड़ की कंप्लीट काठियावाड़ी थाली बनाएंगे। इसे बनाने में जितनी हमने सामग्री यूज की है उस हिसाब से आप इसे 10 से 12 लोगों को सर्व कर सकते हैं। काठियावाड़ी थाली के इस मेन्यू में हम बनाएंगे वेजिटेबल खिचड़ी, स्पाइसी लहसुन या बटाका यानी कि लहसुन वाले आलू, साथ ही बनाएंगे बैंगन का भरता, सेव टमाटर की सब्जी, साथ ही कढ़ी बनाएंगे और चपाती के साथ इसे सर्व करेंगे और इसके साथ बाजरे के आटे की रोटी बनाना भी दिखाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं बैंगन का भरता। यहाँ हमने 1.5 किलो बैंगन लिए हैं, इन्हें हम छील लेंगे और छीलने के बाद यहाँ हमने देखिए प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के रखा है। बैंगन को छीलने के बाद इसके बड़े बड़े पीसेस काट कर हम इसमें डालते जाएंगे ताकि ये काले ना पड़े। तो यहाँ हमने पहले से ही थोड़े बैंगन छील के रखे हैं, अब इन्हें भी छील कर बड़े बड़े पीसेस काट कर इन्हें कुकर में डालते जाएंगे। अब कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और इसे 3 विसल आने तक बॉयल कर लेंगे और 3 विसल आने के बाद गैस बंद कर दें। अब बैंगन बॉयल हो तब तक चलिए हम लहसुन या बटाका यानी कि लहसुन वाले आलू बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए यहाँ हमने 600 ग्राम छोटी साइज के आलू लिए हैं। इसे आपको 3 विसल आने तक बॉयल कर लेना है और उसके बाद इसका छिलका निकाल कर इस तरह से इसे प्रिक करना है। आप इसे स्पून या फिर फॉर्क की हेल्प से प्रिक कर सकते हैं। आलूओं को इस तरह से सभी साइड से प्रिक करने से जब इसकी हम ग्रेवी तैयार करेंगे तो उसका जो सारा फ्लेवर है वो आलूओं में अंदर तक एब्जॉर्ब होगा। इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा और ये बिल्कुल भी अंदर से फीके नहीं लगेंगे। तो ये देखिए इस तरह से एक एक करके सभी आलूओं को आपको सभी साइड से अच्छे से पोक करना है। अब सब्जी बनाने से पहले यहाँ आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है। आपको यहाँ इस तरह से 6 से 7 बड़ी साइज के कश्मीरी लाल मिर्च लेने हैं। इनमें से आपको सीड्स निकाल देने हैं और इन्हें आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रखना है। इसके बाद एक मिक्सी जार लें और उसके अंदर एक छोटी कटोरी लहसुन लें। साथ ही हमने 2 इंच अदरक के टुकड़े भी लिए हैं। यहाँ लगभग आपको 25 से 30 कलियां लहसुन की लेनी है। इन सबको मिक्सी जार में डाल देंगे, साथ ही कश्मीरी मिर्च को पानी में से निकाल कर इसके अंदर ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसे ग्राइंड करेंगे। इसकी हमें बहुत ही फाइन पेस्ट तैयार करनी है, ये देखिए इस तरह से। तो चलिए अब फटाफट से सब्जी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ हमने हांडी का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर या फिर कढ़ाई में भी बना सकते हैं। हांडी में 1 कटोरी जितना तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने दें। साथ ही ये देखिए बैंगन को 3 मिसल आने के बाद गैस को बंद कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब जो हमने बॉयल आलूओं को प्रिक करके रखा था इन्हें इसके अंदर डाल देंगे और लाइट पिंक कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। इन्हें बीच बीच में मिलाते रहेंगे और जैसे ही आलूओं का कलर चेंज होने लगे तब इसमें हम मसाले डालेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला डालकर इन सबको अच्छे से मिला लें। अब इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर फिर से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसे अलग प्लेट में निकाल देंगे। अब इसी तेल का यूज करके हम सब्जी बनाएंगे। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हींग, 2 कमालपट यानी के बे लीव्स और 5 बारीक कटी प्याज डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। अब प्याज को आपको मीडियम टू हाई फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक भून लेना है जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। अब इसके बाद इसके अंदर जो हमने लहसुन अदरक और कश्मीरी लाल मिर्च की पेस्ट तैयार करके रखी है इसे इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही इस पेस्ट को ग्राइंड करते टाइम जो ग्राइंडिंग जार में थोड़ा सा मसाला रह जाता है उसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाला था और वो पानी भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इसे आपको 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेना है ताकि जो मिर्ची का कच्चापन है वो दूर हो जाए। इसे बीच बीच में मिलाते रहेंगे और जैसे ही ये अच्छे से कुक हो जाए और इसमें से बढ़िया सी खुशबू आने लगे उसके बाद इसमें हम डालेंगे टोमेटो प्यूरी। यहाँ हमने 10 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं।
इन्हें हमने मिक्सी जार में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और इस तरह से प्योरी तैयार की है। इसके बाद इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में सबसे पहले हम डालेंगे 3/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और स्वादानुसार नमक डालकर इसे 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे। आंच को आपको तेज रखना है और इसे बीच बीच में मिलाते रहना है जब तक कि टमाटर का कच्चापन दूर ना हो जाए। अब इसे हम ढक देंगे और इसे 10 मिनट तक कम आंच पर पकने देंगे जब तक कि मसाले और टमाटर अच्छी तरह से कुक ना हो जाए। तब तक चलिए हम बैंगन का भरता तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और तेल जैसे ही गर्म होने लगे उसके अंदर ऐड करेंगे 3 से 4 बारीक कटी प्याज। प्याज डालने के बाद आपको इसे 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लेना है जब तक कि इनका कलर लाइट पिंक ना हो जाए। और बीच बीच में आप लहसुन या बटाखा की सब्जी को भी मिलाते रहें। और इस स्टेज पर अगर आपको लगे कि आपकी ग्रेवी थिक हो गई है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें। तो यहाँ हम साथ में प्याज को भी मिलाते रहेंगे और ये देखिए इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब इसके अंदर डालेंगे लहसुन मिर्च की पेस्ट। यहाँ हमने 2 बड़े चम्मच लहसुन मिर्च की पेस्ट ली है और इसे डालने के बाद आपको 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे पकने देना है। अब प्याज और लहसुन मिर्च की पेस्ट अच्छे से कुक हो जाए तब तक चलिए हम वेजिटेबल खिचड़ी के लिए दाल और चावल को भिगो देते हैं। यहाँ हमने 1 कप चावल लिए हैं, 1/2 कप मूंग की दाल और 1/2 कप तुअर की दाल लेकर इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसे 1/2 घंटे के लिए भिगने के लिए रख देंगे। तो यहाँ हम साथ ही लहसुन या बटाखा की सब्जी को भी देख लेते हैं। इसे अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कि जो ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छी तरह से थिक हो गई है और इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही बढ़िया आ गया है। अब इस स्टेज पर इसके अंदर जो हमने आलू फ्राई करके रखे हैं इन्हें इसके अंदर डाल देंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे और अगर आपको ये ज़्यादा ही थिक लग रही हो तो आप इस स्टेज पर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम फिर से रख देंगे और 5 से 10 मिनट तक फिर से पकने के लिए रख देंगे। अब यहाँ प्याज और लहसुन मिर्च की पेस्ट को पकाते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो गई है। अब इसके अंदर हमने जो बैंगन को बॉईल करके रखा था इसके अंदर ऐड करेंगे। बैंगन को बॉईल करने के बाद इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दें और उसके बाद इसे इसके अंदर ऐड करें। साथ ही इसके अंदर डालेंगे 6 मीडियम साइज के टमाटर जिसे हमने इस तरह से बारीक पीसेस में काट के रखा है। साथ ही इसके अंदर मसाले भी ऐड करेंगे। मसालों में हम सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच पाव भाजी मसाला डालकर इन सबको अच्छे से मिला लें। यहाँ हम इसमें नमक डालना भूल गए थे तो इसमें हम नमक ऐड कर देते हैं और उसके बाद आप इसे मैशर या फिर करछी की हेल्प से अच्छे से मैश कर लें। अब अगर आपको बैंगन का भरता थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है तो मसाले आप इसमें अपने हिसाब से थोड़े से ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। आप इसमें पाव भाजी मसाला या फिर लाल मिर्च पाउडर की थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा लें अगर आप बैंगन का भरता थोड़ा सा तीखा पसंद करते हैं। तो ये देखिए हमारा बैंगन का भरता बहुत ही अच्छी तरह से मैश हो गया है। साथ ही हम लहसुन या बटाखा की सब्जी को भी देख लेते हैं। इसे अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए ये बहुत ही थिक हो गई है और इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे फिर से 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ हम बैंगन के भरते को भी अच्छे से मिला लेते हैं और इसे मिलाने के बाद इसके अंदर हरे धनिए के पत्ते डालेंगे और इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक कम आंच पर पकने देंगे। साथ ही यहाँ हम लहसुन या बटाखा की सब्जी को भी देख लेते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार है। अब आखिर में इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे और गैस बंद कर लेंगे। अब इसके बाद हम बनाएंगे सेव टमाटर की सब्जी। तो यहाँ हमने 10 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं जिसे हमने इस तरह से बारीक पीसेस में काट कर रखा है। इसके ऊपर हम 2 बारीक कटी प्याज डालेंगे और साथ ही 2 से 3 बारीक कटी हरी मिर्च डालेंगे। इसके बाद कढ़ाई में 1/2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल के गर्म होते ही इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच राई के दाने, 1 चम्मच जीरा और जो ये हमने प्याज टमाटर और हरी मिर्च को काट के रखा है इसे इसके अंदर ऐड करेंगे।
इसके बाद इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक, आधे छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच धनिया जीरा पाउडर डालकर इन सबको अच्छे से मिला लें। टमाटर और प्याज 70-80% कुक ना हो जाए तब तक हमें इसे पका लेना है। इसे बीच बीच में मिलाते रहें ताकि ये सभी साइड से अच्छे से कुक हो। अब इसे बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक चलिए हम बेसन और दही के साथ जो हम कढ़ी बनाएंगे उसकी तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए एक बर्तन में एक कप दही लेंगे, इसके अंदर 2 चम्मच बेसन डालेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर इसे हैंड मिक्सर से ग्राइंड कर लें जब तक कि इसका जो टेक्सचर है वो स्मूथ ना हो जाए। इसके अंदर थोड़ा सा और भी पानी ऐड करेंगे। अब बेसन और दही वाली कढ़ी बनाने के लिए हांडी में 1 चम्मच तेल डालकर इसे गर्म होने दें। साथ ही ये देखिए सेव टमाटर के लिए जो हमने प्याज और टमाटर को पकने के लिए छोड़ दिया था ये भी बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। अब इसे हम मिला लेते हैं। अब यह हम गैस को फिलहाल बंद कर देते हैं और जब हम थाली को असेंबल करेंगे उस टाइम पे सेव टमाटर की जो सब्जी है वो तैयार करेंगे। अब यहाँ तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है, इसके अंदर ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच राई के दाने, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हिंग और 2 से 3 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। इसके बाद जो हमने बेसन और दही का घोल तैयार करके रखा है इसे इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इसे डालने के बाद गैस की फ्लेम को कम कर दें और उसके बाद इसके अंदर 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक डालेंगे। साथ ही इसके अंदर 40-50 ग्राम गुड़ यानी कि जैगरी डालेंगे। इसे अच्छे से मिला लें और एक उबाल आने तक आँच को तेज़ रखें और एक उबाल आने के बाद कम आँच पर इसे 5-7 मिनट तक आपको इसे बॉयल करना है। अब इसके अंदर हम कड़ी पत्ते डालेंगे और कुछ देर तक इसे पकने देंगे। अब इस स्टेज पर अगर आपको ये थिक लग रही हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी बैलेंस कर सकते हैं। बेसन और दही की इस कढ़ी में गुड़ की जो क्वांटिटी है वो आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी कढ़ी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब आखिर में इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे और गैस बंद कर देंगे। तो चलिए इसके बाद हम वेजिटेबल खिचड़ी बनाएंगे। इसके लिए प्रेशर कुकर में 3 बड़े चम्मच तेल डालकर इसे गर्म कर लें। तेल के गर्म होते ही इसके अंदर 1 चम्मच राई के दाने, 1 चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग डालें। इसके बाद इसमें 2 बारीक कटी प्याज डालेंगे और इसे हल्का सा पका लेंगे जब तक कि प्याज का कलर लाइट पिंक ना हो जाए। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और इसे बीच बीच में मिलाते रहें। प्याज को 3-4 मिनट तक पकाने के बाद अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटे आलू। यहाँ हमने 2 बड़ी साइज के आलू लिए हैं जिसे इस तरह से बारीक टुकड़ों में काट लिया है। इसके अंदर सब्जियों की जो क्वांटिटी है वो आप अपनी पसंद के हिसाब से रखें। आलू डालने के बाद इसे हम कुछ देर तक पका लेंगे जब तक कि ये हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए। इसे बीच बीच में मिलाते रहें और फ्लेम को मीडियम टू हाई रखें। कुछ देर के बाद जब आलू थोड़े से सॉफ्ट होने लगे उसके बाद इसमें हम डालेंगे 3 बारीक कटे टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लें और उसके बाद इसमें डालेंगे 1 छोटी कटोरी मटर के दाने। यहाँ आप फ्रोज़न मटर का भी यूज़ कर सकते हैं या अगर आपके पास फ्रेश मटर है तो वो भी ले सकते हैं। इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद इसके अंदर मसाले डालेंगे। मसालों में सबसे पहले हम डालेंगे स्वादानुसार नमक, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच खिचड़ी मसाला डालकर इन सबको अच्छे से मिला लें और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 5-7 मिनट तक इन सारी सब्जियों को भून लें। इसके बाद जो हमने दालों और चावल को भिगो के रखा था इन्हें इसके अंदर डाल देंगे। अब इसमें लगभग 3-4 ग्लास इतना पानी ऐड करें। इसके बाद इसे अच्छे से मिला लें और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसे 3 मिसल आने तक पका लेंगे। 3 मिसल आने के बाद आंच को कम कर दें और धीमी आंच पर इसे 5 मिनट तक पकाएं। उसके बाद गैस बंद कर दें। अब खिचड़ी तैयार हो तब तक चलिए हम बाजरे की रोटी के लिए आटा लगा देते हैं। इसके लिए एक बर्तन में 300 ग्राम बाजरे का आटा लें।
इसके अंदर 4 बड़े चम्मच गेहूं का आटा ऐड करेंगे, स्वादानुसार नमक, 2 से 3 चम्मच तेल और पानी डालकर मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लें। फ्रेंड्स, बाजरे की रोटी बनाते टाइम अगर आप इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा डालेंगे तो इसे बनाते टाइम रोटी के टूटने का डर नहीं रहता, इसलिए इसका आटा लगाते टाइम इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा ज़रूर डालें। तो ये देखिए, इस तरह से मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लें। अब आटे में से हम छोटी छोटी लोई तैयार करेंगे और इसे बेलन से हल्का सा बेल लें। अगर ये बेलते टाइम टूटने लगे तो आप कोई भी प्लास्टिक की शीट लेकर उसके ऊपर लोई रखकर इसे हल्का सा बेल लें। ये देखिए, इसे इस तरह से बेलने के बाद अब हम इसे गर्म तवे पर डालकर दोनों साइड से सेक लेंगे। आंच को मीडियम टू लो रखेंगे और थोड़ा सा तेल डालकर इसे पलटते हुए दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लें। ये देखिए इस तरह से। अब बाकी की रोटी को भी इसी तरह से सेक लेंगे और उसके बाद जो हमने वेजिटेबल खिचड़ी बनाई है उसे देख लेंगे। तो यहाँ जो हमारा कुकर है वो एकदम ठंडा हो गया है, अब हम ढक्कन हटाकर इसे देख लेते हैं। ये देखिए, हमारी खिचड़ी जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से पक गई है। इसे एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसे अगर आप इस तरह से थोड़ा सा ड्राई पसंद करते हैं तो ऐसे ही सर्व कीजिए, वरना अगर आप इसे थोड़ा सा लाइट रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी डालकर इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लें। तो चलिए, अब आखिर में हम सेव टमाटर की सब्जी भी तैयार कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमने प्याज और टमाटर को पहले से ही पका कर रखा है, उसमें से थोड़ा सा सब्जी का पोर्शन लेकर अलग कढ़ाई में ऐड करेंगे और इसके बाद रतलामी सेव या फिर सेव टमाटर के लिए जो भी स्पेशल सेव मिलती है इसे इसके अंदर डाल देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब यहाँ सेव की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से लें। अगर आपको इसमें प्याज और टमाटर ज़्यादा पसंद आते हैं तो वो ज़्यादा डालें, या फिर अगर आपको इसमें सेव ज़्यादा पसंद है तो सेव की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा लें। इसके बाद इसे कुछ सेकंड तक मिलाने के बाद इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अब फ्रेंड्स, सेव टमाटर की इस सब्जी को आपको हर बार इसी तरह से सर्व करना है। आपको ग्रेवी पहले से ही तैयार करके रख देनी है और इसे सर्व करने से पहले बस इसके अंदर सेव डालें और थोड़ा सा पानी और आखिर में हरा धनिया डालकर इसे गर्मा गर्म सर्व करें। तो ये हमारे सेव टमाटर की सब्जी भी तैयार है। चलिए, अब हम थाली को असेंबल करते हैं। तो यहाँ इसे हमने सर्व करने के लिए इस तरह की बड़ी थाली ली है और जो भी सब्जियाँ हमने तैयार की है छोटे छोटे बाउल्स में डालकर परोसते जाएंगे। फ्रेंड्स, इसी तरह से अगर आपको कंप्लीट गुजराती थाली की रेसिपी चाहिए तो वो भी हमने हमारे चैनल पर पोस्ट कर दी है, उसकी हमने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अब फ्रेंड्स, इसके बाद अगर आप अमृतसरी पिंडी छोले की रेसिपी देखना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले इमेज पर क्लिक करें और अगर आप डोसा बेटर घर पर बनाने की परफेक्ट रेसिपी देखना चाहते हैं तो राइट वाले इमेज पर क्लिक करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।